This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more information, contact 730-376-3540. हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक भूतनाथ मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संस्था की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकलांग जन जिला प्रशासन के पास अपने किसी काम से जाते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है जिसमें काफी समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था ने कई बार सरकार और जिला प्रशासन ने मांग की है कि दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट के साथ रैंप की व्यवस्था की जाए ताकि वे आसानी से अपनी शिकायत लेकर जिला प्रशासन और पुलिस कार्यालय तक जा सके। उन्होंने हिमाचल में बनने वाली नई सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विकलांगों को विकलांग भवन उपलब्ध करवाया जाए। संस्था की जिला प्रधान हूँ और आज हमारी यहाँ भूतनाथ सराय में जो मासिक बैठक हो रही है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हमारी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम कई वर्षों से जो है मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा व सरकार द्वारा उन पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि हमारा एक मुद्दा है डीसी कार्यालय में दिव्यांगों की गाड़ी पार्क करने के लिए सुविधा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि पार्किंग लगाई जाए और उसमें एक बोर्ड लगाया जाए, तो उसके लिए एडीसी मंडी ने आश्वासन भी दिया था कि आपके लिए ये सुविधा बहुत जल्द की जाएगी, लेकिन अब 3 महीने का समय होने वाला है और आज तक जो है वो पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि एसपी कार्यालय में एक लिफ्ट लगाई गई है, उसमें भी अगर हमने अपने कार्यालय कार्य हेतु जाना होता है तो पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, वो लिफ्ट भी बंद पड़ी हुई है। उसके बारे में भी हमने एडीसी महोदय के समक्ष ये मुद्दा रखा था। तीसरा हमारा है कि जैसे डीसी साहब से मिलने दिव्यांगों को या बुजुर्गों को जाना पड़ता है तो हमें पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है और बड़ी भारी दिक्कत होती है, तो इसके लिए हमने लगभग 4 वर्ष पहले भी ये मुद्दा उठाया था और हमें तब से आश्वासन मिल रहा है कि आपके लिए एक लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी और रैंप की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक वो भी व्यवस्था नहीं हुई। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि दिव्यांग सिर्फ अपनी मांगों को उठाते रहते हैं और प्रशासन और सरकार जो है इन हमारी मांगों को अनदेखा करती है। हमारा उपायुक्त महोदय से और पूरे प्रशासन से निवेदन है कि हमारी ये जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं इन पर जो है जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एक मुद्दा आपको सभी को ज्ञात होगा कि हमारा विकलांग भवन का मुद्दा है, लेकिन आज तक उस मुद्दे के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कभी ग्रीन जोन का बहाना ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। तो हमने कहा था कि एक गणपति नाले के पास एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ही हमारी ऐसी व्यवस्था की जाए क्योंकि वो बंद ही पड़ा हुआ है। तो उसके लिए एडीसी महोदय ने पीछे जो हमारी एक बैठक हुई थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक वो भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमारा सरकार से जो अब आने वाली जो नई सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, उनसे भी विनम्र निवेदन है और प्रशासन से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन मांगों को, इन मुद्दों पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।